बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज का वाक्य आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी के लिए एक लड़की के हवाले से एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक्य लेकर आई हूँ। एक मुसलमान लड़की तालाब में नहा रही थी और ऐसे वक्त में एक डाकू की नज़र उस मुसलमान लड़की के ऊपर पड़ी। तो ऐसे वक्त में कौन सा अजीबोगरीब वाक्य देखने को मिला, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान रह जाओगे कि ये कैसे हो सकता है। इस वाक्य को सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर किसी से गुनाह हो जाए या अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो जाए तो उसे चाहिए कि वो तौबा करे, क्योंकि अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। लेकिन गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद भी कोई अकड़े और शर्मिंदा ना हो तो उसके लिए बड़ा अजाब है। कुरान हदीस की रोशनी में बताया कि किस तरह अल्लाह गुनाहों के लिए तौबा करने वालों की तौबा कबूल करता है और किस तरह नाफरमानी करने वालों को अजाब देता है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि बताया जाता है कि किसी गांव के अंदर एक लड़की तालाब में नहा रही थी जो कि मुसलमान थी। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसी गांव के करीब एक डाकू रहा करता था और जो गरीब लोगों का माल लूटा करता था। और अगर गांव के अंदर कोई खूबसूरत लड़की उसको नज़र आती तो उस लड़की को उठा लिया करता था। अक्सर गाँव के जो लोग थे वो अपनी बेटियों को घर के अंदर छिपा कर रखते थे, लेकिन ये जो लड़की थी ये किसी से डरा नहीं करती थी। यानी अल्लाह तबारक व तआला की जात के ऊपर मुकम्मल यकीन था इसे, और ये लड़की ये बात कहती थी कि मेरी हिफाजत करने वाला सिर्फ अल्लाह है, मुझे घर के अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बड़ी शान वाला है और सबसे बड़ा अल्लाह ही है, वो मेरी मदद करेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि वो लड़की थी तालाब में नहाने के लिए गई थी और ऐसे वक्त में जब डाकू का गुज़र हुआ तो उसी तालाब से हुआ। और ऐसे वक्त में जब डाकू की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो वो उस लड़की का दीवाना हो गया। उस जैसी लड़की को आज तक डाकू ने नहीं देखा था और लड़की इतनी खूबसूरत थी कि डाकू के दिल के अंदर मोहब्बत जाग उठी और अब डाकू किसी भी हालत में लड़की को पाना चाहता था। आपको बता दूं कि डाकू ने अपने साथियों से ये बात कही कि फौरन ही एक खत लिखो। खत लिखने के बाद उस लड़की के बाप के पास उसे भेज दिया गया। और दोस्तों, आपको बता दूं कि वो खत लेकर डाकू के जो साथी थे वो फौरन उस लड़की के घर पहुंचे और वहां जाकर लड़की के बाप को वो खत दिया। दोस्तों, आपको बता दूं जैसे ही लड़की के बाप ने वो खत पढ़ा तो उसी वक्त उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यानी खत के अंदर यही बात लिखी हुई थी कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मैं तुम्हारी बेटी का दीवाना हो चुका हूँ, इसीलिए तुम आज रात अपने घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ। मैं आज रात तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारी बेटी के साथ रात गुजारूँगा, यानी तुम्हारी बेटी के साथ गुनाह करूँगा। और साथ में ये भी लिखा हुआ था कि अगर तुम छोड़कर नहीं गए तो ऐसे वक्त में तुम्हारे खानदान वालों को कत्ल कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, बाप ने जब ऐसी बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे वक्त में उसके दिल में ये बात आई कि हमारे गाँव में एक सरदार है, ये हमेशा से हम लोगों की मदद करता रहा है, क्यों ना इस बार जाकर उससे मदद मांगी जाए। तो आप सभी को बता दूं कि वो फौरन ही यानी कि जो उस लड़की का बाप था उस गांव के सरदार के पास जाकर उसने अपनी बात रखी। ऐसे वक्त में जो गांव का सरदार था वो ये बात कहने लगा कि मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो डाकू है और बड़ा ही खतरनाक है, और अगर मैं तुम्हारी ऐसे वक्त में मदद करूँगा तो वो मेरे खानदान वालों को भी कत्ल कर देगा। और मेरी भी एक नौजवान बेटी है, अगर उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ गई तो यकीनन वो उसको भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मैं हरगिज़ तुम्हारे इस मामले में मदद नहीं कर सकता, मुझे मुआफ़ कर दो। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में जब वो लड़की घर पहुंची तो बाप ने सारा वाक़या उसे बताया कि आज तुम्हें दरिया में नहाते हुए उस डाकू ने देख लिया था और वो तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता है। और उसने बात कही कि अगर मैं यहाँ से घर छोड़कर नहीं गया तो ऐसे वक्त में वो हमारे तमाम खानदान वालों को कत्ल कर देगा। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद जो वो लड़की थी वो ये बात कहने लगी कि अब्बा जान, क्या आप जानते हैं कि मैंने हमेशा ये बात कही है कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है और अब तक उसने ही मुझे बचा कर रखा है, तो आगे भी वो ऐसे ही मुझे बचा कर रखेगा। आप बेफिक्र होकर घर छोड़कर आज के लिए चले जाइए। यकीनन जो होगा वो बेहतर ही होगा और अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, बाप ने जब अपनी बेटी की बातें सुनी तो ऐसे वक्त में वो अपनी बेटी को अल्लाह के भरोसे छोड़कर चला गया और घर से बाहर निकल आया। आपको बता दूं कि जब रात का वक्त आया तो ऐसे वक्त में वो डाकू लड़की के घर पहुंचा और पहुंचने के बाद जब वो लड़की के करीब पहुंचने लगा तो ऐसे वक्त में बराबर वाले घर में एक लड़की कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी और उसकी आवाज़ आने लगी, जिसका तजुर्मा ये था कि कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला, मैं बड़ा करीम हूँ, मैं ही रहीम हूँ, मैं हूँ बड़ा माफ़ करने वाला। दोस्तों, कुरान की इनायतों को सुनने के बाद वो जो डाकू था वो कांपने लगा और वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गया और उस वक्त लड़की से ये बात कही कि हरगिज़ मैं तुम्हारे साथ गुनाह नहीं कर सकता। लड़की बात कहने लगी कि ऐसी क्या बात हो गई कि तू जो आज गुनाह के लिए आया था लेकिन तू किसी वजह से रुक गया है। तो दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो डाकू ये बात कहने लगा कि मुझे अल्लाह का खौफ सता रहा है, यानी मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ कि आखिरत में मेरा क्या हाल होगा। अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, मैंने अब तक जितने भी गुनाह किए हैं मैं सबसे तौबा करता हूँ और आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूँगा, किसी का हक नहीं मारूँगा, किसी लड़की के ऊपर गंदी नज़र नहीं डालूँगा। दोस्तों, ये बात कहता हुआ वो फौरन ही उस घर से बाहर आ गया। डाकुओं के साथियों ने जब उसे ऐसी हालत में देखा तो वो हैरान हुए और ये बात कहने लगे कि आपको किस चीज़ का खौफ सता रहा है, आपसे दुनिया डरती है और आप किस तरह डर रहे हैं। तो उस वक्त वो डाकू कहने लगा कि मुझे किसी का खौफ नहीं है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, जो बादशाहों का बादशाह है। मैंने आज सच्चे दिल से तौबा कर ली है क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है कि अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है, बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसीलिए मैंने सच्ची तौबा कर ली है और आज के बाद मैं कभी भी किसी लड़की की तरफ गंदी नज़र नहीं डालूँगा और आज के बाद कभी किसी गरीब का हक नहीं मारूँगा। दोस्तों, इतना सोचने के बाद उसके दिल में ख्याल आने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे क्यों माफ़ करेगा, मैंने तो गरीबों का हक लूटा है, तमाम जितने लोगों का मैंने हक लूटा है उन सब का सामान वापस कर देना चाहिए। और ये बात सोचते ही सबसे पहले उसके दिल में एक यहूदी तिजारदी का ख्याल आया। यहूदी तिजारदी ने डाकू को देखा तो ये बात कहने लगा कि अब क्यों आए हो, सब कुछ तो लूट कर ले जा चुके हो, अब क्या मुझे भी लूट कर ले जाओगे। तो उस वक्त डाकू कहने लगा कि हरगिज़ नहीं, अब मैं तुम्हें लूटने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं जो तुम्हारा सामान लूट कर ले गया था वो तमाम सामान वापस लौटाने के लिए आया हूँ। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, वो सबको माफ़ करने वाला है। मैंने जो गुनाह किए हैं मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, इसीलिए तमाम सामान लौटाने के लिए आया हूँ। दोस्तों, जो ये यहूदी था वो फ़ौरन ही ये बात कहने लगा कि मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगा जिस वक्त तुम मेरी एक बात मानोगे। तो डाकू कहने लगा कि हाँ हाँ मुझे बताओ कि वो कौन सी बात है जिससे तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। दोस्तों, उसके बाद उस यहूदी ने ये बात कही कि सामने जो टोकरी रखी हुई है उसके अंदर जो सोने की अशरफियाँ रखी हैं वो अशरफियाँ लेकर आ जाओ। तो दोस्तों, आपको बता दूँ कि वो जो डाकू था वो फ़ौरन ही उस टोकरी के पास गया और उस टोकरी के पास जाकर वो सोने की जो अशरफियाँ थी उनको लेकर आ गया। और दोस्तों, जैसे ही उस यहूदी ने सोने की अशरफियों को देखा तो ये बात कहने लगा कि मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद डाकू जो था वो बड़ा ही हैरान हुआ कि भला ऐसी क्या बात हो गई कि तुम तो यहूदी हो, तुम क्यों मुसलमान होना चाहते हो, ऐसी क्या बात हो गई मुझे भी बताओ। दोस्तों, ऐसे वक्त में यहूदी कहने लगा कि दरअसल आखिरी नबी यानी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर किसी शख्स पर अल्लाह तबारक व ताला राज़ी हो जाए और उस वक्त वो सच्ची तौबा कर लेता है तो अगर वो शख्स मिट्टी को भी छू ले तो वो भी सोने की बन जाती है। दरअसल जिस टोकरी के अंदर तुम्हें सोने की अशरफियाँ लाने को मैंने कहा था, उस टोकरी के अंदर एक भी अशरफियाँ नहीं थी। दरअसल उसके अंदर तो सांप रखा हुआ था, और मैं तो ये जानना चाहता था कि अगर तुम्हारी तौबा कबूल हो चुकी है तो वो जो सांप है वो सोने की अशरफियों में तब्दील हो जाएगा, और अगर तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हुई तो ऐसे वक्त में वो सांप तुम्हें डस लेगा। लेकिन प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल सही साबित हुई, यानी कि तुम यकीन के साथ उस टोकरी को उठाने के लिए गए थे और अब उसके अंदर अशरफियाँ हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। और अल्लाह नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से तुम्हें वो सांप नुकसान पहुंचा सके। अब इस चीज़ से अंदाज़ा हो चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है। इसीलिए मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से एक यहूदी ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को ज़रूर कबूल कर लेता है और इसी तरीके से उसे मुआफ़ भी कर देता है। दोस्तों, हर इंसान को चाहिए कि वो हर वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहे, हर वक्त अस्तगफर करता रहे और नमाज की पाबंदगी करता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक्य कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।